नमस्कार दोस्तों, आज बहुत समय के बाद में 3 हफ्ता हो गया जब से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड का, लेकिन वही है कि जरूरी हो गया था मेरे लिए कभी मैं सोचा था कि यूट्यूब में किस शांति कहाँ से हो गई, क्योंकि पायक जोन की वीडियो देखने को ही नहीं मिल गई थी। मुझे कहा वीडियो गंगा बंद कर गया, पर कभी भी चालू है। एनीवेज दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपका होस्ट और गोस्ट आपका टेक गेमर, चलिए वीडियो यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे कि पायक जोन ने गोगिंग पहेंगे ये वीडियो अपलोड की है, और गोगिंग पहेंगे ये वीडियो अपलोड करके ही इस वीडियो में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो मुझे समझ आया हो। केवल 11 मिनट की वीडियो वही पुरानी बकवास की है जिसका कोई भी अर्थ नहीं, टॉपिक ही नहीं है जिसका कोई। आपको आगे वीडियो में सब कुछ समझ आएगा, बस पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं कुछ बातें पायक जोन के ऊपर। इसी के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, अदरवाइज मेरा मन आज भी नहीं था कि मैं कोई वीडियो बनाऊं, बट हाँ जरूरी हो जाती है चीजें तो बनानी पड़ती है, क्योंकि भैया अगर एक सेम चीज आपके साथ बार 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 रिपीट होती रहती है और वो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, तो उसके बारे में दूसरे लोगों से बात करना फिर ठीक रहता है। ठीक है, तो इसी के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। सो गाइस, क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने बहुत टाइम से अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। वीडियो अपलोड ना करने के बावजूद भी अभी भी काफी सारे लोग मेरे ऊपर वीडियोस बनाते हैं। अगर आप सर्च करेंगे पायक जोन करके, और अगर आप टुडे वाले फिल्टर पे जाके सर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक दिन में काफी सारे लोग वीडियोस बनाते हैं जो कि बेसिकली रोस्ट वीडियोस होती है, जिसमें वो मुझे रोस्ट कर रहे होते हैं, और मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर आपको मेरे ऊपर वीडियोस बनानी है, आपको मेरे को रोस्ट करना है, तो आप कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसको बड़े बड़े गोष्ठकर्स गोष्ठ करने में कोई भी कसर कमी छोड़ के ही नहीं है, जैसे कि कौन सिख हो गए, कृषि कुमार हो गए, ऐसे बड़े बड़े गोष्ठकर्स बहुत गोष्ठ करके इसको यहाँ का टेक्नो गेमर जंग भी इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें कही हैं, पर इसको कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। बस चंगी जाती है बोर्ड के सामने बैठ जाती है, 11 मिनट का बकवास ही पेंक की गई कि इसका कुछ मकना भी नहीं समझ पाएगा, और इतना ही नहीं एक ही बात को 10-10 बार घुमा घुमा के इसने 11 मिनट की वीडियो पूरी खाई है। मैंने जो बंदा है उसको सामने से मैसेज किया, और मैं उसको मैसेज करके बोल रही हूँ कि ए सुन, तूने जो मेरे ऊपर वीडियो बनाई है उस वीडियो का आटा, वरना मैं तेरे ऊपर पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, तेरे ऊपर केस कर दूंगी, या फिर तेरे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दूंगी, कुछ भी जो है ऐसी ऐसी चीजें मतलब उसका नुकसान हो जाए, इस तरीके की बात मैं उसको बोलती हूँ। फिर जो सामने वाला बंदा है यूट्यूबर जिसने मेरे को रोस्ट करते हुए वीडियो बनाई है, वो मुझे बोल रहा है कि नहीं नहीं हम वीडियो डिलीट नहीं कर सकते हैं, हमने बहुत ज्यादा मेहनत से वीडियो बनाई है, आप भी समझो आप भी एक यूट्यूबर हो, इस तरीके से वो मुझसे बहुत प्यार से बोलता है। लेकिन मैं फिर से उससे बदतमीजी से बोलती हूँ कि नहीं सुन, तू वीडियो हटा, वरना मैं तेरे ऊपर यही एक्शन लूंगी। मतलब स्क्रीनशॉट में ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि वो सामने वाला बंदा बहुत तमीज से बोल रहा है और मैं बहुत बदतमीजी से उसके साथ बात कर रही हूँ, जबकि मेरे हिसाब से मेरा ये लहजा नहीं है, बट स्टिल स्क्रीनशॉट जो है वो फेक है, तो उसमें इसी तरीके की चीजें दिखाने की कोशिश की जाती है कि मैंने बहुत बुरी तरह किसी से भी बोला है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट्स पूरी तरीके से फेक होते हैं। मैं कभी किसी को जाके ऐसे मैसेज नहीं करती हूँ कि तुम ये वीडियो हटाओ, मतलब बहुत दिन हो गए कि मैंने इस तरीके से जाके किसी को मैसेज किया, इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम, पता नहीं मेरे को याद भी नहीं है, शायद महीना हो गया अब तो मैंने इंस्टाग्राम में मैसेज ही नहीं किया है किसी को, ठीक है, जिनसे कभी मेरी बात नहीं हुई है ऐसे शुरू। जो बना रहा है वीडियो बना रहे जो करो, मुझे सोच भी नहीं सकता कितना जोर इंस्टाग्राम में सबको स्ट्राइक मारने की बातें कर की है, और फिर भी झूठ बोल की सबके सामने सिंपथी नहीं की है, गेमिंग का था भाई, रोस्ट करने की इच्छा होती आज मैं रोस्ट कर ही रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि अब तक किसी ने भी रोस्ट तुझे नहीं किया है ऊपर से।
तो ये चीज होती है, और यही चीज मेरे साथ होती है कि लोग को कुछ नहीं पता है कि फेक है या रियल है, वो दिस ऐसे शेयर करते डूड जाएंगे आगे, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और ज्यादा लोग मेरे पास आएंगे, और फिर कोई सारी चीजें नो भी जो नो है मैं नो उनको नो ऐसे बुलाऊंगी, उनको फादर से बताएंगे कि नो इसी तरीके की बात इसी वजह मैंने अपना काम चलिए बात करते हैं गीगी के टॉपिक के बारे में कि इनका वो कौन सा टॉपिक है जिनके लिए इनको वीडियो बनानी पड़ी और जिनके लिए इनको सबके सामने फिर से आना पड़ा अपनी उसी चेहरे को शकन को दिखा कर। इनका टॉपिक तो पहले आप देख लीजिए, टॉपिक क्या है आपको समझ ही नहीं आएगा, टॉपिक में बात क्या होगी समझ बिल्कुल आ ही नहीं रहा, आप खुद देखिए। मोटी प्राइवेट कर दिया है कि भाई बोल लो आप कितना बोलोगे, है ना, तो वो वाली एक चीज होती है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी एंड में कि ये जो भी चीज आप कर रहे हैं फेक स्क्रीनशॉट बनाना यार ये मत, टॉपिक क्या है प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, सब खत्म कर दिया, पर खत्म क्या किया, चैनल भी चंगा है, बाकी भी चंगा है, सब कुछ चंगा है, बचा क्या खत्म होने को, किसी एक ने करी होगी, दूसरे ने करी उसको देख के, तीसरे ने करी, ठीक है। इस बारे में मैंने कुछ बात करी थी कुछ यूट्यूबर से जिनसे मेरी बात होती है, एक आध से जो रोस्टर्स ही हैं उनसे मेरी बात हुई थी, मैं तो रोस्टर नहीं हूँ लेकिन वो लोग हैं, तो सबने मेरे को यही बोला कि ये लोग व्यूज और अटेंशन के लिए कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा नाम ले। सुना आपने इसने क्या कहा भी कि मैं रोस्ट कर हुई ही नहीं, तो टेक्नो गेमर जैक कहेगा इंसान कहेगा मैं को किसने रोस्ट कर दिया, भाई कहाँ झोंक यूट्यूब के पब्लिक के सामने झोंक, एक पक्का नेता होगी यार नेता, साफ साफ झोंक बोल गई है कि मैं रोस्ट ही नहीं करके। आपको बताऊं मेरा जब सीटेट का एग्जाम होने वाला था तभी भी मैं रेगुलर वीडियोस बना रही थी, और रेगुलर वीडियोस बनाने के बावजूद मेरा ये जो सीटेट अभी वाला हुआ है उसमें मेरे 120 से ऊपर नंबर आए थे, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाता है कि आपके सीटेट में 150 नंबर का आपका पेपर है उसमें 120 से ज्यादा नंबर आए, और स्टिल लगातार वीडियोस बनाते हुए, तो ऐसा कोई रीजन नहीं था कि पेपर की वजह से, वो थोड़ी चीजें छुपाने के लिए मैंने बोला था कि मेरा पेपर है इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, रीजन कुछ और था, रीजन कोई और था ऐसा कह सकते हैं, कभी और बात करेंगे, और एक बंदा नहीं है कई सारे हैं इसके पीछे रीजन, तो वो मैं आपको बताऊंगी, बट इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। एक छोटी सी बात थी जो आप लोगों से कहनी थी, आई थिंक जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको अभी थोड़ा बहुत लगा होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं यही बोलूंगी कि प्लीज मत करो, है ना, और कोई ऐसे को आप बोलते हैं कि मतलब लक्ष्य चौधरी को सपोर्ट करते हैं मेरे को रोस्ट करते हैं उससे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लक्ष्य चौधरी से मेरी बात होती है सारी चीजें क्लियर है, कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, टेक्नो गेमर्स से कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, तो बस और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, फैन क्लब है तो ज्यादा हर्ट ना हो प्लीज, मैं तो यही बोलूंगी, और बस इस वीडियो को यही एंड करते हैं, चलिए थैंक यू सो मच। भाई टॉपिक क्या है बातें क्या है, टॉपिक में अब तक बातें नहीं, वीडियो पूरी सुबह के खत्म भी हो गई, चलिए इनका तो ऐसा कुछ कैसे कहेंगे वीडियोस को ऐसी रहेंगे, बस ये बातें खींच की या कुछ भी नहीं, इनको व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, शेयर चाहिए, कुछ भी नहीं, चाहे कमेंट में जितने भी गालियाँ बक्के हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, कई बार इंसान और कहने की वजह की खमगे में फोटो छाप की बात काम हो गया। पहली रोस्टिंग वीडियो की यूट्यूब में, हालांकि मैंने अब तक रोस्टिंग किसी को नहीं देखा, लेकिन रोस्ट किया फिर मैंने पाइक जोन को ही रोस्ट किया क्योंकि इसकी वीडियो थी ऐसी। चलिए अब बाकी बात होगी, चलिए अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, व्यूज कुछ कीजिएगा कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा कि कैसी लगी मेरी वीडियो, और बताइएगा मैं पाइक जोन के ऊपर कैसे पॉइंट्स दिए हैं, क्या वो सही है कि गलत, चलिए अब कमेंट्स कीजिएगा।